अस्सलामुअलैकुम दोस्तों देख रहे हैं रिमांड टीवी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि VLC पे क्या कर सकते हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके 5 टॉपिक्स हैं, 5 इसको मैं आपके 5 ट्रिक्स बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं VLC पे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले VLC ओपन करते हैं। इसमें यहाँ से कोई भी वीडियो लाते हैं, फाइल ओपन, फाइल हमारे डेस्कटॉप पे कोई वीडियो वगैरह पड़ी होगी, दो बोल ओपन करते हैं। दो बोल किया ओपन तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ से तस्वीर लेना चाहते हैं, जैसा कि हम ये ले लेते हैं। तो यहां से गया वीडियो में, टेक स्नैपशॉट, स्नैपशॉट ले ली। तो ये पिक्चर है, ये मैं कंप्यूटर ओपन किया तो मैं कंप्यूटर की पिक्चर या में सेव होगी। पिक्चर ओपन किया तो ये तस्वीर हमारे पास आ गई, तो तस्वीर ओपन हो गई हमारी। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी वीडियो है तो आप उससे कोई भी छोटा बहुत क्लिप लेना चाहते हैं, फनी लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, कोई भी क्लिप लेना चाहते हैं 20-30 सेकंड का, तो आप वो क्लिप किस तरह ले सकते हैं। तो आइए ये वीडियो आप दोबारा चलाते हैं। तो जैसा कि ये 4 निशान मेरे पास पहले मौजूद है, तो ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ ये किस तरह आते हैं। व्यू में गया, लिखा हुआ है एडवांस कंट्रोल्स, ये निशान 8 के नीचे से। दोबारा व्यू में जाते हैं, एडवांस कंट्रोल्स, तो ये निशान आ गया। तो वीडियो को मैं दोबारा चलाता हूँ। वीडियो मैंने प्ले की और ये मैंने रेड बटन दबा दिया। तो जहाँ तक आपने वीडियो बनानी है वहाँ तक वीडियो बनाएं, 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, जितने भी सेकंड की आपने वीडियो बनानी है वो बनाएं। तो इसको दोबारा रेड, तो इस दोबारा रेड बटन को क्लिक कर दें। ये वीडियो तो दोस्तों ये भी वीडियो जो सी है इस कंप्यूटर पे भी वहाँ पे जाके सेव होगी वीडियोस में की। तो ये कुछ ऑलरेडी मैंने पहले की हुई थी, जैसे अब मैंने की हो ये आ गई है, ये किया तो ये छोटा सा क्लिप आ गया, तकरीबन 18 सेकंड का है। तो क्लोज किया हमने। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी वीडियोज है, मूवीज है, आप उसको बैक स्क्रीन पे किस तरह लगाना चाहेंगे या वॉल पेपर उसको कैसे लगाना चाहेंगे। तो क्लोज किया, कोई भी वीडियो चला लेते हैं। चल मेरा वो चला ली, यहाँ पे राइट क्लिक किया, वीडियो में गया, सेट अप वॉलपेपर। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, तो हमारे पीछे बैकग्राउंड पे वीडियो चल गई है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, क्रोम पे काम करना चाहते हैं क्रोम पे काम कर लें, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वीडियोज आपके पीछे बैकग्राउंड पे चलते रहेंगे। तो इसको वापस लाने के लिए आप फिर वहां पे जाएं, वीडियो पे, वीडियो सेट अप वॉलपेपर, तो ये वापस दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लोज कर दियो। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आपकी 3D मूवीज है तो आपके VLC पे सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उसको चलाना चाहते हैं, तो आप किस तरह चलाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल ही है। VLC ओपन किया,
यहाँ टूल में चले गए, यहाँ पे लिखा इफेक्ट एंड फिल्टर्स, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे वीडियो इफेक्ट में आ गए, तो इसको तीर का निशान बना हुआ, इसको शेड भी किया, यहाँ पे एडवांस आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगली 3D, तो यहाँ पे चेक का निशान लगाया, क्लोज कर दी, तो ये आपकी 3D सपोर्ट करना लग जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल वीडियो उसको HD वीडियो में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज गया, यहाँ सिक्योरिटी ये डिटेल में आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम हाइट 1280 और फ्रेम हाइट है 720, तो इसको मैं इससे मजीद बेहतर HD में कन्वर्ट करता हूँ। तो VLC ओपन किया, मीडिया में चले गए, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट सेव, तो यहाँ पे हम कोई भी हमारे पास वीडियो है, हम कोई भी वीडियो हमारे पास, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस जगह पे, यहाँ पे ऐड किया, तो ये डेस्कटॉप पे हमारी वीडियो है 2 बॉल, इसको ओपन किया, तो अब यहाँ पे कन्वर्ट एंड सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो बता रहा है कि जो से आपकी वीडियो कन्वर्ट करनी है तो उसको आपने सेव किस जगह पे करना है, तो हम उसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं HD वीडियो। सेव होगी, तो उसके बाद यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप कितने रिजल्ट में आपने इसको करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको वैसे भी बता दूँ, अगर आप वीडियो को ऑडियो में करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे आप MP3 पे कर दें, तो लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप नॉर्मल को HD में किस तरह करते हैं, तो मैं फिर आपको HD करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है वीडियो फ्रॉम MP EG4 1080p, 1080 में कर दे, पहले हमारे पास 720 में थे, हम 1080 में कर दिया, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे, तो ये नीचे कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, तो जब ये लाइन मुकम्मल होगी तो कन्वर्ट हो जाएगी, तो तकरीबन 1 मिनट लगेगी, तो आपकी मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये HD वीडियो है, इसको प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी और सजन डिटेल, ये हमारी फ्रेम रेट भी बढ़ गई है, 1920 होगी और फ्रेम हाइट जो है हमारी 1080 हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि जो सी वीडियो में इंटरेस्टिंग ले आता हूँ वो आप तक लाजमी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।